हेलो एंड वेलकम टू बिगमैश। दोस्तों, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मैच में बुरी तरह से हरा दिया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के डोमिनेशन के बारे में, इंडिया के जो टेस्ट में डोमिनेशन रहा है अभी तक, खास करके होम टेस्ट सीरीज में, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जो इंडिया लास्ट टेस्ट सीरीज हारी थी वो 2012 में इंग्लैंड के अगेंस्ट हारी थी। उसके बाद से लगातार इंडिया टेस्ट मैचेज में कोई भी सीरीज होम कंडीशंस में हारी नहीं है। तो ये एक डोमिनेशन जो चलता आ रहा है लास्ट 10 ईयर्स से इंडिया के होम ग्राउंड पे, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं ये जो डोमिनेशन है इंडियन क्रिकेट का टेस्ट क्रिकेट में होम में, वो किस तरह से कंपेरेटिव है बाकी जो डोमिनेशन रहा है अभी तक के इतिहास में, चाहे वो हम वेस्ट इंडीज़ की बात कर लें, या फिर हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, या फिर हम न्यूजीलैंड क्रिकेट की बात कर लें। तो कौन सी ऐसी टीम है जो सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग रही है अपने होम ग्राउंड पर अभी तक के इतिहास में, उस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं कि लास्ट 10 ईयर्स में इंडिया ने किस तरह से परफॉर्म किया है अपने होम ग्राउंड पर। तो अगर आप नज़र डालेंगे तो अभी तक इंडिया ने 43 टेस्ट मैचेज खेले हैं 2013 से लेकर अभी तक। लगातार 43 टेस्ट मैचेज में इंडिया ने 35 मैचेज जीते हैं। उसके अलावा अगर हम लॉसेज की बात करें तो सिर्फ 2 टेस्ट मैचेज ऐसे रहे हैं जिसमें इंडिया को हार मिली है, और 6 टेस्ट मैचेज ऐसे हैं जिसमें कोई रिजल्ट नहीं रहा है, यानी ड्रॉ रहा है। तो ये इंडिया का रिकॉर्ड है लास्ट 10 ईयर में, जो कि अभी तक का सबसे डोमिनेटिंग आप कह सकते हैं कि डिकेड रहा है इंडिया के लिए ही नहीं, बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट में अगर हम बात करें किसी भी टीम के बारे में तो ये वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेटिंग डिकेड रहा है। तो चलिए बात करते हैं जो पास्ट में जो डोमिनेशन रहा है उन टीम्स के बारे में। अगर हम वेस्ट इंडीज़ की बात करें, 1976 से लेकर 1986 तक उन्होंने 8 सीरीज टोटल ऐसी खेली थी जिसमें इन्हें कोई हार नहीं मिली थी, यानी लगातार 8 सीरीज जीते थे वो अपने होम ग्राउंड पे। वहीं ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो 1994 से लेकर 2000 तक उन्होंने डोमिनेट किया था, लगातार 10 सीरीज जीते थे। फिर उसके बाद 2004 से लेकर 2008 तक लगातार ऑस्ट्रेलिया ने 10 टेस्ट सीरीज जीती थी, तो ये उनका डोमिनेशन था उस टाइम। फिर न्यूजीलैंड क्रिकेट की अगर हम बात करें तो 2017 से लेकर 2020 के बीच में लगातार उन्होंने अपने होम ग्राउंड पे 8 सीरीज जीते थे। बट अगर इंडिया की हम बात करें तो 2013 से लेकर 2023 तक लगातार इंडिया ने 15 टेस्ट सीरीज खेले हैं अभी तक, और 15 टेस्ट सीरीज में इन्हें किसी भी सीरीज में हार नहीं मिली है अभी तक। तो ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। अगर 15 के अलावा अगर हम रिकॉर्ड पर नज़र डालें तो इंडिया ने 15 में से 8 टेस्ट सीरीज ऐसी रही है जिसमें इंडिया ने क्लीन स्वीप किया है ओपोजिशन को। तो ये एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड है इंडिया का, एक बहुत ही बड़ा डोमिनेशन है पिछले लास्ट 10 ईयर्स में इंडिया का होम ग्राउंड पे। इस 8 सीरीज में हमने 2 सीरीज कंसिडर नहीं किया है, जो एक एक मैचेज की सीरीज थी उसको हमने क्लीन स्वीप में कंसिडर नहीं किया है। तो 8 सीरीज वैसी हैं जो जिसमें एक से ज़्यादा मैचेज खेले गए हैं और इंडिया ने क्लीन स्वीप किया है ऑपोजिशन को। इसमें बहुत बड़ी बड़ी टीमें आई हैं, जैसे इंग्लैंड आई है 2-2 बार, इसके अलावा साउथ अफ्रीका आई है, श्रीलंका आई है, न्यूजीलैंड आई है, ऑस्ट्रेलिया को भी क्लीन स्वीप किया है 4-0 से इंडिया ने। तो इस लास्ट 10 ईयर्स में इंडिया ने हर टीम को हराया है और लगातार 15 सीरीज में वो लगातार एक तरह से आप अनडिफिटेड कह सकते हैं कि लगातार अनडिफिटेड रहे हैं। वहीं अगर हम होम कंडीशन में हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ विन की बात करें टेस्ट क्रिकेट में, तो ऑस्ट्रेलिया ने 1998 से लेकर 2007 तक 59 टेस्ट मैचेस खेले थे जिसमें से 47 मैचेस में उन्हें जीत मिली थी। तो परसेंटेज की अगर हम बात करें तो उन्होंने 79.66 परसेंटेज ऑफ मैचेस जीते थे। वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो 2013 से लेकर 2023 तक इंडिया ने टोटल 43 मैचेस खेले हैं जिसमें से 35 टेस्ट मैचेस में इंडिया को जीत मिली है। तो अगर हम विन परसेंटेज की बात करें तो इंडिया की विन परसेंटेज 81.4 है, जो कि अभी तक की क्रिकेट हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट विन परसेंटेज है। अगर हम मिनिमम 40 मैचेस की बात करते हैं और मिनिमम 10 ईयर स्पैन की बात करें तो, अगर होम कंडीशन में टेस्ट क्रिकेट की हम बात करें तो ये बहुत ही एक अलग लेवल का डोमिनेशन है इंडिया का टेस्ट क्रिकेट में, जो कि कभी भी टेस्ट क्रिकेट में ऐसा डोमिनेशन देखने को नहीं मिला है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर करें या फिर वेस्ट इंडीज, जो कि 1976 से 1986 की टीम की हमने बात की, तो उससे भी कंपेयर करें तो इंडिया काफ़ी ज़्यादा आगे है। और ये जो डोमिनेशन है आपको आगे भी कुछ सालों तक देखने को मिल सकता है, क्योंकि इंडिया की जो बेंच स्ट्रेंथ है बहुत ही स्ट्रांग है, चाहे वो बैटिंग लाइनअप हो, चाहे वो बॉलिंग लाइनअप हो, चाहे आप स्पिन टैलेंट देखें, इंडिया का जो अपकमिंग स्पिन टैलेंट है वो भी बहुत ही स्ट्रांग है। तो जो ऑपोजिशन है उनके लिए बहुत बड़ा एक खतरा है, जो बहुत एक फाइनल फ्रंटियर जिसे कह सकते हैं, इंडिया फाइनल फ्रंटियर बन चुका है हर टीम के लिए। जो भी टीम इंडिया टूर करती है टेस्ट क्रिकेट में, वो इंडिया को हराना उनका एकमात्र लक्ष्य होता है। अगर हम एशेज की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया था कि एशेज से भी बड़ा अभी इंडिया का टूर है। लास्ट टाइम जो ऑस्ट्रेलियन टीम थी वो 2004-2005 में इंडिया में सीरीज जीतने में सफल रही थी। इसके अलावा इंग्लैंड ने इंडिया को हराया था, उसके अलावा किसी भी टीम ने इंडिया को हराने में सफलता नहीं पाई है। तो एक बहुत ही बड़ी आप कह सकते हैं कि अचीवमेंट है इंडिया के लिए, और आगे भी शायद ये आपको डोमिनेशन देखने को मिलेगा। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सी टीम या कौन सा डोमिनेशन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है, चाहे वो वेस्ट इंडीज़ का 1976 से 1986 वाला डोमिनेशन हो, या ऑस्ट्रेलिया का 1998 से लेकर 2007 वाला, या फिर इंडिया का 13 से लेकर 2023 तक जो अभी कंटिन्यूड है, वो डोमिनेशन आपको सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग लगा हो हिस्ट्री में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू, बाय बाय।